नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुल्तानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यहां बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ हेलीपैड भी बनाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में वायुसेना का 45 मिनट का एयर शो भी होगा, जिसमें जगुआरा, सुखोई और मिराज जैसे आधुनिकतम लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप से उड़ान भरेंगे। यूपीडा के सीईओ अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोपहर 1:30 से 2:45 तक कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद एयर शो होगा। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि एयरफोर्स के आकस्मिक इस्तेमाल के लिए सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी और 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसमें एयरफोर्स का विशेष योगदान है। एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन कानूनी रूप से इस पर वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरेगा: गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।